मैं विभा आपका अपने फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में स्वागत है। आज हम आपको मूंगफली के दानों की व्रत वाली ऐसी रेसिपी बना के दिखाएंगे जो काफी टेस्टी होगी, हेल्दी होगी, आप सभी लोग खा लेंगे। ये हमारे दाने हैं, ये हमने ओवरनाइट भिगो के रखे थे। आप चाहे तो 4 से 5 घंटे भिगो ले, चाहे तो पूरी रात भिगो दे, दाने में दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी, आप किसी भी समय भिगो दे। ये 4 आलू है। अब इन दानों को हम उबाल लेंगे, 2-3-4 सीटी तक लगा देंगे, जिस हिसाब से आपके कुकर का प्रेशर हो उस हिसाब से आप सीटी लगा लें। और चाहे तो आलू साथ में डाल दें बॉइल्ड होने के लिए, और चाहे तो आप आलू अलग से उबाल दें। अभी हम इनको उबाल करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने दाने बॉइल्ड कर लिए हैं, और ये 4 हम मीडियम साइज के हमने आलू लिए। ये आपको हम बता दें, ये इस तरीके से मूंगफली के दाने थे, इनको हमने रात भर भिगोया है और इन्हीं मूंगफली के दानों से ये रेसिपी हम बना रहे हैं। ये हम व्रत वाली रेसिपी बना रहे हैं। आपका मन हो तो आप घर में ऐसे साधारण खाने के लिए भी बना सकते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, इन दानों को इसमें मिक्सी में डाल करके और हल्का सा इसको ग्राइंड कर देंगे, जिससे कि इसके सारे टुकड़े हो जाए छोटे छोटे। ये देखिए इस तरीके से आप इनको दरोड़ लीजिए, आपको दिखा रहे पास से, छोटा छोटा कर लेंगे तो इसमें टेस्ट काफी अच्छा आ जाएगा। चाहे आप सिर पर कर लें या किसी भी कूचने वाली चीज से इसको कुचल दें। और ये जो आलू है ये हम आपको दिखाते हैं, छोटा छोटा कट करेंगे, किस तरीके से इसको हमको कट करना है। इस तरीके से आलू ले लेंगे और इसको ऐसे कट करेंगे, जैसे हम लोग छोटा छोटा आलू कट करते हैं तहरी में डालने के लिए, किसी भी रेसिपी में डालने के लिए इस तरीके से इसको कट करेंगे। और एक चीज का आप ध्यान रखें, आलू ठंडा होने के बाद ही कट करें। यदि आपको जल्दी है और आपकी आलू गर्म है तो उसको फ्रिज में रख करके ठंडा कर दें, नहीं तो ये सब आलू फूट जाएगा आपका। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये फूट जाएगा, फिर ये टेस्ट नहीं आएगा इसमें। ये रेसिपी जो है व्रत में भी खा सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, आपको जिस तरीके से अच्छी लगे आप उसी तरीके से बनाएं। और इसमें जब हम लोग व्रत नहीं रहते हैं तो प्याज है, टमाटर है, सब चीज मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से छोटा छोटा आलू कट करना है आपको। देखिए हमने आलू कट कर ली है, अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। पहले तो इसको हम जो मूंगफली के दाने हमने टुकड़ों में किए हैं उनको डाल देंगे। अभी आपको सारे मसाले दिखाते हैं। ये नुकसान भी नहीं करती है क्योंकि मूंगफली जो है उबल जाती है तब काफी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए आप मूंगफली की रेसिपी जब बनाए तो इसी तरीके से बनाए। ये देखिए हमने मूंगफली का तेल लिया है, यदि आपके पास मूंगफली का तेल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। यदि आपको घी की खुशबू अच्छी लगती है तो आप घी भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी चीज न डालें इसमें, कोई भी तेल न डालें, क्योंकि व्रत में कोई तेल खाते नहीं है, या तो मूंगफली का हो और या तो फिर तिल का हो और या घी हो। घी का टेस्ट आपको अच्छा लगे तो आप डालें। और ये भुना हुआ जीरा धनिया सौंफ है, हमारे यहाँ यहाँ पे सब रहता है, इसको हम व्रत में यूज करते हैं, इस मसाले को डालेंगे। अब जब आपका व्रत नहीं है तो आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, इसको चाट दूसरी तरीके से बना सकते हैं, पर ये व्रत में जो चाट हम बनाएंगे उसमें इस तरीके की कोई चीज नहीं डालेंगे। ये हरी मिर्च है, आप हरी मिर्च जितना खाना चाहे उस हिसाब से डाल दें। हमने इसमें ये 2 हमारे लेमन जूस है, ये हमने 2 नींबू का रस जो है इसमें यूज किया है खट्टे के लिए। आप चाहे तो किसी खटाई भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नींबू डालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसको मिक्स करेंगे ठीक से। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए हमारी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। आप हमारा वीडियो फुल वॉच किया कीजिए जिससे हमें आपका सहयोग मिले। ये देखिए आपने मिक्स किया है इसको। अब हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। ये देखिए हमने नमक डाला है। आपको एक चीज बताते हैं, ये देखिए आप लाल मिर्च है, व्रत में लाल मिर्च नहीं खाते हैं, लेकिन ये हमने जो मिर्च तैयार किया है ये व्रत में भी खाते हैं। ये हमारे घर में लाल मिर्च मार्केट से खरीद के आया था, हरा मिर्च लाल हो जाता है वो वाला था, तो इसको हमने इसको सुखा के धूप में और
व्रत के लिए ही इसको हमने तैयार करके रखा है कि इसको हम व्रत में डालें। बहुत लोग हरी मिर्च नहीं पसंद करते हैं इसलिए, लेकिन जो सूखा सुखाया मार्केट में आता है उसमें सरसों का तेल लगा करके सुखाते हैं, इसीलिए उसको नहीं यूज किया जाता है। आप इस तरीके से बना के रख सकते हैं। ये देखिए, अक्सर रहता है कि घर में मिर्च पड़ी पड़ी सूख जाती है, हरी हो या लाल हो कोई भी मिर्च हो, बस उसको आप फेंका ना करें। हल्का सा अगर थोड़ा नम रहती है तो उसको हल्का सा तवे पर डाल करके गरम कर ले, फिर पीस ले, और टुकड़ों में बहुत जल्दी से पीस जाती है मिर्च, और उसको व्रत में यूज करें, अपने घर में ऐसे भी यूज कर ले। ये देखिए आप बनकर रेडी हो गई है। अब आपको इसमें जो भी खट्टा तीखा जो भी बढ़ाना हो आप अपने हिसाब से बढ़ा लें। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप बताइएगा। आपको हम दिखाते हैं, ये रेसिपी ऐसी है कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक। जब आप एक बार बनाएंगे तो मूंगफली के जो खड़े दाने होते हैं, अक्सर बुजुर्गों को भी खाने में दिक्कत रहती है और हम लोगों को भी खा लो तो पेट में दिक्कत रहती है, और ना इसमें कोई ऑयल है ना कोई तला भुना है। आप चाहेंगे तो आपको ये कभी भी नुकसान नहीं करेगी, इसी हिसाब से जब बनाएंगे आप। ये देखिए आप कितनी देखने में अच्छी लग रही है, तो इसका टेस्ट तो अच्छा होगा ही।